Chance here. That's out. Great save. Salah Akbar. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान अकबर, आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल व्यू फ्रॉम द गोल पोस्ट। आज मैं आप लोगों के साथ पाकिस्तान हॉकी के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। जैसा कि आजकल कोरोना वायरस की वजह से तमाम दुनिया में स्पोर्ट्स बंद हुई हुई है और जितने भी टॉप एथलीट्स हैं उनको उनके कोचेज़ की तरफ से ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जा रहे हैं, हम इंटरनेट पर देख रहे हैं और वो अपनी वीडियोज़ शेयर कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है कि क्योंकि ओलंपिक्स आगे पोस्टपोन हुआ हुआ है और उसकी सारी प्रेपरेशन चल रही थी टीमों की, तो उसको ही कंटिन्यू करते हुए, जो कि बड़ा मुश्किल टाइम है और हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इस मुश्किल घड़ी से, पूरी इंसानियत को जल्दी से जल्दी निकाले। देखें, मैं एक प्रोफेशनल गोलकीपर ट्रेनर हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, 13 साल मैंने इंटरनेशनल हॉकी खेली है पाकिस्तान की तरफ से और मोस्ट कम्पेटिटिव लीग डच लीग खेली है इधर हॉलैंड में, तो मुझे काफ़ी इस चीज़ का बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट ज़रूर है। तो मेरी नज़र से नाज़रीन गुज़रा इत्तफाकन जो कि कहा जा रहा है कि ऑनलाइन प्रोग्राम दिया गया है पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स को जो वो घर में रह के कर सकते हैं, तो आई वाज एक्चुअली वेरी शॉक्ड और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अभी तक वही काम चल रहे हैं जो पहले सालों से चलते आए थे। ये जो सो कॉल्ड ऑनलाइन प्रोग्राम दिया गया पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स को, इसका कोई मैच ही नहीं है टॉप लेवल के एथलीट्स के साथ। और जब मैंने ये प्रोग्राम देखा, दैट इज़ जस्ट अ जनरलाइज वर्कआउट। इस जर्नलाइज प्रोग्राम में जो वार्म अप जब मैंने देखा, तो उसमें कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। आई मीन वार्म अप आप करते हैं वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है, और वार्म अप अगर आपने अपर बॉडी पे ज़्यादा आपका वर्कआउट है तो आपको अपर बॉडी को ज़्यादा अच्छा वार्म अप करना चाहिए, उसको ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच करना चाहिए, तो वो कोई वार्म अप का ही डिसिप्लिन नहीं है उसमें। वो बस एक कागज़ पर कुछ चीज़ें एक्सरसाइजें लिखी हुई हैं जो मेरे ख्याल में इंटरनेट पर उससे भी ज़्यादा अच्छी आपको मिल सकती हैं। कोई न्यूट्रिशन का कनेक्शन नहीं मैंने देखा इसमें, कोई आपको समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ है इसमें। आपने ना डाइट की बात की है, वो आपके एक डॉक्टर हैं, वो उनके मैं मीडिया पे स्टेटमेंट पढ़ा था कि वो कहते हैं कि मेवाजात खाने चाहिए प्लेयर्स को, उससे बड़ी आपके कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑल दैट। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, उसमें तो वैसे ही एनर्जी लेवल बड़ा लो होता है, उसका कोई ख्याल नहीं किया गया हुआ, कोई उसमें नोट नहीं लिखा हुआ कि रमज़ान में आपने ऐसे ऐसे इसको कैसे इसको बिल्डअप करना है। आपने अगर ये प्रोग्राम होता तो उसमें सारी चीज़ें लिखी होती ना। जब ये सो कॉल्ड ऑनलाइन प्रोग्राम मेरी नज़रों से गुजरा तो मैं बड़ा क्यूरियस हुआ कि आप इनको ट्रैक कैसे करेंगे, आप इनकी असेसमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि जब मैंने वो प्रोग्राम देखा उसमें कोई डिफाइंड रेपिटेशन या सेट किसी भी एक्सरसाइज के है ही नहीं। तो आप जब उनको ट्रैक नहीं करेंगे, आप जब उनको असेस नहीं कर सकते, तो वो आपको लीड करता है अननोन वे में, वो आपको लीड करता है इंजरीज़ की तरफ, आपके मस्कुलर इम्बैलेंस की तरफ। और ये तो इसीलिए तो आप देखें ये फिटनेस 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 की बात होती है, तो अगर आप इस तरह की चीज़ें इस तरह के काम करेंगे तो आप कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो नेशनल टीम का प्लेयर है वो आपको एक अच्छी फिटनेस भी देगा ड्यूरिंग द मैचेस और टॉप लेवल पे। तो इस सो कॉल्ड ऑनलाइन प्रोग्राम का कोई मैच ही नहीं है टॉप लेवल एथलीट्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के साथ। और प्रोग्राम वो होता है, उसके प्रोग्राम के लिए आपके मुल्क में भी कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ये प्लीज़, मेरी बड़ी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टीवी पे मीडिया पे आके ये लोगों के साथ गलत बयानी करना बंद करें, इट डोंट लुक रीजनेबल, और प्लीज़ इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें कि एक आप प्रोफेशनल्स लोग लेके आए अंदर जिनको काम का पता हो, जो आपकी हेल्प कर सकें, आपको वे आउट बता सकें कि इस तरह से हम अपने प्लेयर्स की फिटनेस को ऊपर लेके आ सकते हैं, बजाय इसके कि वही घिसे पीटे लोगों को आप सामने लेके आए, उन्हीं से काम करवाएं, जिसका नतीजा सारी दुनिया देख रही है और पाकिस्तान भुगत रहा है कि आज पाकिस्तान हॉकी जो नंबर 1 होती थी दुनिया की आज नंबर 17 हुई हुई है। तो ये वन ऑफ द रीजंस है हमारा जो भी ये पाकिस्तान हॉकी का हाल हुआ है। मैं जापान नेशनल हॉकी टीम के साथ एज अ गोलकीपर ट्रेनर हूँ, तो मैं उनकी एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम उनको मिला हुआ है, मैं जब मैंने उसके साथ कंपेयर किया एंड आई वाज शॉक्ड के ये देखें कि जापान जैसी टीम के नेशनल प्लेयर्स को जो प्रोग्राम दिया गया और जो पाकिस्तान नेशनल टीम के प्लेयर्स को प्रोग्राम दिया है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसमें उन सब चीज़ों का ख्याल रखा गया जो मैंने बताया कि पाकिस्तान के जो प्लेयर को सो कॉल्ड ऑनलाइन प्रोग्राम मिला है उसमें तो बिल्कुल भी नहीं रखा गया। वो भले न्यूट्रिशन हो, वो भले असेसमेंट हो, वो भले इस बेस पे बना हो कि किस पोजीशन पे प्लेयर खेलता है, उसका बॉडी वेट क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, उसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ज़रूर आपको देना चाहूँगा कि यहाँ पे जिस क्लब की तरफ से मैं खेलता हूँ, जब हमारा ये लॉकडाउन यहाँ पे शुरू हुआ तो स्ट्रेट अवे हमारे स्ट्रेंथ एंड कंडीशन की जो एक्सपर्ट है, जो हमारी स्टाफ मेम्बर हैं, और उसने एक बड़ा ही डिज़ाइंड प्रोग्राम
जो है वर्कआउट प्रोग्राम जो है हर प्लेयर को भेजा, और उसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया कि आपकी एज क्या है, आपकी बॉडी वेट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपकी हॉकी में पोजीशन क्या है, और बहुत ही वेल बैलेंस्ड, और उसमें न्यूट्रिशन को स्ट्रेट वे कनेक्ट किया गया, हमें बताया गया कि हमने क्या खाना है, किस टाइम खाना है, और मैं क्योंकि रमादान है इस चीज़ तक का उसने ख्याल उस प्रोग्राम में रखा हुआ है। मेरा टोटल सेपरेट, हर इंडिविजुअल का हमारी टीम में सेपरेट प्रोग्राम बना, और मेरे प्रोग्राम में इस चीज़ का भी ख्याल रखा गया कि रमज़ान चल रहा है और मैं रोज़े रखूँगा कि मेरा एनर्जी लेवल क्या होगा, तो उस हिसाब से एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया मेरे लिए। ये मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, और हमारी पूरी टीम जो 18 लड़कों की है उसका हर इंडिविजुअल का प्रोग्राम बना। तो क्लब लेवल पर इतना प्रोफेशनल काम हो रहा है यहाँ पर हॉलैंड में, और आप अंदाज़ा लगाएं कि ये टॉप लेवल पाकिस्तान हॉकी के प्लेयर्स के साथ ये काम हो रहा है, उनको ये सो कॉल्ड ऑनलाइन प्रोग्राम मिला है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि नीचे लेवल पे क्या होता होगा, उन बच्चों के पास क्या उनको नॉलेज उनको ट्रांसफ़र किया जाता होगा, उनको कैसे ट्रीट किया जाता होगा, वो कैसे अपने आप को डेवलप करते होंगे जब वो किसी ना किसी तरह आ जाते हैं नेशनल कैंप में, उनके मसल्स का क्या हाल होता होगा कि वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर द शॉर्ट टाइम तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम कभी भी नहीं कर सकते। आप फॉरनर प्लेयर्स को देखें, इंग्लैंड का बैरी मिलिटन, ऑस्ट्रेलिया का जिमी डाय, कितनी देर तक वो खेलते हैं, उसके पीछे यही वजूहत है क्योंकि उनके पास था रियल ऑनलाइन नहीं रियल फिज़िकल प्रोग्राम, उनके पास प्रोफेशनल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने उन पर काम किया। टेंडनायर इधर डच टीम का कितनी देर तक खेलता रहा, और आज भी वो देख लें अर्जेंटीना का जो गोलकीपर है 40 साल का है वो अभी तक खेल रहा है और परफॉर्म कर रहा है, और ओलंपिक का गोल्ड मेडल रिसेंटली उसने लिया है। तो वो, और आप अपने पाकिस्तान में हाल देख लें, ये तो आपके टॉप लेवल पे ये काम हो रहा है, तो आप नीचे इमेजिन कर सकते हैं कि प्लेयर्स के साथ क्या होगा जूनियर लेवल पे और डोमेस्टिक लेवल के जो प्लेयर्स हैं। तो ये सिर्फ फेस सेविंग के लिए, मीडिया पे आके ये बताने के लिए कि हमने ऑनलाइन प्रोग्राम अपने प्लेयर्स को दे दिया हुआ है। एंड वंस अगेन दिस इज़ अ टोटली रॉन्ग वर्ड जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं कि ऑनलाइन प्रोग्राम दे दिया हुआ है। वैसे भी ऐसा ही होता है जब आप नॉन प्रोफेशनल लोगों को सामने लेके आते हैं, जिस तरह ब्लंटली और कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग आके स्पेशली कोचिंग स्टाफ जो है टीवी पे आगे बता रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं। तो आप सच्ची बात ये बताएं कि आपके पास प्रोफेशनल्स नहीं हैं, आप उनको लेके आ रहे हैं जिनको इस काम के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, और वो उनके हाथों में आपने पाकिस्तान हॉकी टीम की फिटनेस और ये सो कॉल्ड आपका जो प्रोग्राम है वो दिया हुआ है। तो फिर यही हाल होगा कि पाकिस्तान हॉकी जो है वर्ल्ड में जहाँ आज खड़ी है, कोई खुदा का खौफ करें, अब बस कर दें, हम पहले ही नंबर 17 पे हैं दुनिया के, और इस तरह के काम बार बार हो रहे हैं, और ये आज से नहीं हो रहे, और मैं समझता हूँ कि इसके काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है। एटलीस्ट वो लोगों को अपॉइंट अच्छा करें, उन अच्छे लोगों को अपॉइंट करें जिनको नॉलेज हो, प्रोफेशनल्स को लेके आएँ, फिर ही जाके जो है आप 2024 की बात करें, आप 2032 में शायद जाके कुछ कर सकें। तो आई मीन अगर आप अभी से शुरू होते हैं तो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस ऑलवेज। ये जनरलाइज प्रोग्राम करा के आप अपने प्लेयर्स को आप कोई भी कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, कोई उनको आप कोई मैच ही नहीं है उसका टॉप लेवल के एथलीट्स के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम अगर देखें, अगर आप वो हैं प्रोग्राम्स, ये एक जनरलाइज वर्कआउट है जिसपे आप इन्होंने इतनी गोल स्कोरिंग शुरू कर दी है। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना चाहिए, अब तो आंखें खोल लेनी चाहिए, और पता नहीं कितना इंतज़ार करेंगे, और पता नहीं ये जो कोचेज और ये जो स्टाफ आप हायर करते हैं ये लोग पता नहीं कितना झूठ बोलेंगे आके मीडिया पे कि ये क्या काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, और फिर आप बात कर रहे हैं कि हमने वर्ल्ड कप जीतना है, हमने ओलंपिक्स जीतना है। मैं बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना चाहता, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान दोबारा अपना वो खोया हुआ मकाम हॉकी में हासिल करे और नंबर वन दुनिया का बने। लेकिन जिस तरह की हरकतें हो रही हैं पिछली एक दो डेकेड से, तो मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत जल्दी हम वो मकाम हासिल कर सकेंगे, लेकिन आज भी हम अपना काम सही रास्ते पे चल के आज भी एक लॉन्ग टर्म प्लान बना के हम उस मकाम को हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में आज भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है, हमारे पास आज भी बहुत ही टैलेंटेड पाकिस्तानी हॉकी प्लेयर्स जो निचले लेवल पे खेल रहे हैं, डोमेस्टिक लेवल खेल रहे हैं, जूनियर लेवल पे, सीनियर लेवल पे, तो प्लेयर्स हमारे पास हैं, टैलेंट है, हमें सिर्फ एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन और एक अच्छा एटमोसफेयर उनको देना है, फैसिलिटेट करना है। बिल्कुल ये मकसद नहीं था क्योंकि नेगेटिविटी फैलाना, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप लोगों को क्या बताया जा रहा है वो सही भी बताया जा रहा है कि नहीं। तो मेरे ख्याल में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में ये है, और मैं दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी जल्दी से जल्दी अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करे और हम दोबारा दुनिया पे राज करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो तक मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।